यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में बोलते हुए ये कहा था कि ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, यानी जीरो टॉलरेंस को जो क्राइम के प्रति है, जो अपराधियों के प्रति है, उसको उन्होंने फिर से एक बार दोहराया था। उसके बाद प्रयागराज में धूमनगंज में जो घटना हुई उसमें एक शामिल रहे अपराधी को मार गिराया गया पुलिस एनकाउंटर में। हमारे साथ बात करने के लिए हैं मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपीएस राठौर जी। जिस तरह से ये बात बार बार हो रही है कि यूपी में क्राइम के लिए जीरो टॉलरेंस है, मुख्यमंत्री जी ने भी सदन में ये कहा था, आपको लगता है इस घटना से उसकी पुष्टि? ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है वो करके भी दिखाया है। कोई भी अपराधी अगर यहाँ पर अपराध करेगा तो उसके साथ जो बदतर से बदतर सलूक हो सकता है वो सलूक किया जाएगा, और जिस प्रकार से भी उसको दंडित किया जा सकता है वो दंडित करने का काम उसको किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि उसको माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो लोग भी इस घटना में शामिल थे उनके खिलाफ जितनी भी कठोर से कठोरतम कार्रवाई हो सकती वो होगी। दूसरा, अपराध को लेकर आप देखते होंगे कि किस तरीके से अपराधी सपा बसपा के शासनकाल में पूरा दहशत और आतंक का माहौल बनाए हुए थे। आज भी उन अपराधियों ने जिन्होंने अपराध उस शासनकाल में किए उनको दंडित करने का काम इस शासनकाल में हो रहा है। जो अपराधी माफिया पूरे प्रदेश में नंगा नाच कर रहे थे, आज आप देखते होंगे कि जब सुनवाई के लिए जाते हैं तो व्हील चेयर पर बैठ कर जाते हैं। और साथ ही साथ मैं उन माफियाओं को, अपराधियों को भी कहना चाहता हूँ, अगर पुलिस के गिरफ्त में आ जाएं तो बहुत हाय तोबा ना मचाएं, ताकि ड्राइवर कहीं पर असंतुलित हो जाए और गाड़ी पलट जाए। तो गाड़ी पलटती है तो जिम्मेदार उसी अपराधी माफिया की ही होगी। लेकिन विपक्ष के पास कई सवाल हैं कि जिस तरह से पूर्णकालिक डीजीपी नहीं है, जिस तरह से कानून व्यवस्था कई जगह पर ध्वस्त है, ऐसे में इस तरह की बड़ी घटनाएं तो हो रही है ना, उस पर किस तरह से कंट्रोल? कानून व्यवस्था पूरी तरीके से पटरी पर है और बहुत अच्छी है। अगर इन लोगों के समय में तो रोज बड़े बड़े काम, उत्तर प्रदेश पिछले 6 सालों में एक दंगा नहीं हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में सैकड़ों दंगे हर साल होते थे। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अपहरण, लूट और बलात्कार की घटनाएं हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश को लोग अपहरण उद्योग के लिए जाना जाता था, आज अपहरण की कोई घटना सामने आ रही है? आज किसी माँ बेटी के साथ कहीं किस प्रकार की छेड़खानी होती है एंटी रोमियो लागू करने के बाद से, जिस तरीके से कड़ी कार्रवाई हुई है, तो उस तरह से अब हर महिला, हर बच्ची अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में हम सुरक्षित। अपराधियों पर सख्ती जारी है? बिल्कुल, इससे भी ज्यादा सख्त होंगे। अगर वो जरा सा सिर उठाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से जिस तरीके से भी उनको दंडित करने का हो सकता है काम। जैसा मैंने कहा कि पूर्व में भी बहुत से ऐसे उदाहरण है जब सरकार ने कानून व्यवस्था के को संरक्षा के लिए जो कठोर से कठोर कदम उठाने थे वो सब कठोर से कठोर कदम। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से बीजेपी विधायक नीलम करवरिया जी के पति के साथ जो उसमें शामिल एक और अपराधी है सदाकत, उसकी फोटो वायरल हो रही है, उस पर क्या कहेंगे उनका करीबी? देखिए, ऐसा जो भी होगा, अगर कोई व्यक्ति किसी से भी संबंधित हो, अगर क्राइम में वो शामिल है, तो उसके खिलाफ वही कार्रवाई की जाएगी जो दूसरी पार्टी संबंधित है। किसी को यहाँ पर छूट नहीं दी जाएगी कि कोई अगर हमारे किसी नेता से संपर्क में है तो उसको हम छूट देंगे। छोड़ेंगे हम किसी को नहीं। ये जीरो टॉलरेंस का मतलब यही है कि ऐसा, मतलब ये लोग तो बहाने बनाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये भी गड़बड़ कर रहे हैं, ये भी विषयांतर ना करें। जो माफिया है वो माफिया, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं बीजेपी नेता और योगी सरकार में वरिष्ठ मंत्री जेपीएस राठौर, जिनका कहना है कि अपराधियों पर सख्ती जारी रहेगी और जो जीरो टॉलरेंस है क्राइम के प्रति, अपराधियों के प्रति, वो भी जारी रहेगी योगी सरकार की। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।